मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग करते हुए राजधानी की शराब दुकान पर पत्थर चलाकर सियासी तूफान खड़ा कर देने वाली प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर अपनी ही सरकार को ललकारा है। वहीं उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर ऐलान कर दिया है, साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा शराबबंदी अभियान शुरू हो गया है जो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक चलेगा। 2 अक्टूबर को भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ इस राक्षस जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ मार्च करेंगे।